भांडेर तहसील से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि और सफाई कर्मचारियों पर मुक्तिधाम से अस्थियां गायब करने का आरोप लगा है। अस्थियां गायब करने के लगाए गए आरोप को लेकर नगर परिषद के पार्षदों और सफाई कर्मचारियों ने भांडेर तहसील कार्यालय पहुंचकर भांडेर SDM नीरज शर्मा और SDOP कर्णिक श्रीवास्तव को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग, सफाई कर्मचारी, पार्षद गण मौजूद रहे। जानकारी देते हुए पार्षदों ने बताया कि मोनू मिश्रा की माता का निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार मुक्तिधाम में किया गया था, जिसके बाद अस्थियां मुक्तिधाम में नहीं मिलने का आरोप उन्होंने नगर परिषद अध्यक्ष, प्रतिनिधि और सफाई कर्मचारियों पर लगाया था, जिसको लेकर पार्षद गण और सफाई कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा है। उस दिन जिस दिन मेरे को सूचना मिली थी, मैं और अनुभागीय अधिकारी महोदय वहाँ मौके पर पहुँचे थे, और जो पीड़ित पक्ष था उसने उससे आवेदन देने के लिए कहा था, तथा SDOP संभवतः उनने SDOP साहब को आवेदन भी दिया। इस पर पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अपनी माता जी का अंतिम संस्कार जो है शमशान घाट पर किया था, लाहौर रोड पर उपस्थित है, और जब वो अगले दिन सुबह अस्थियां वहां पर लेने के लिए पहुंचे तो उनका ऐसा कहना था कि वहां पर अस्थियां नहीं मिली, और जो है नगर पालिका की कर्मचारियों द्वारा वहां पर साफ सफाई करके अस्थियां जो हटवा दी। उसी के संबंध में उनके द्वारा है कल एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा एक नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि और कर्मचारियों के विरुद्ध एक आवेदन दिया गया था, और आज वैसे ही जो है दूसरे पक्ष द्वारा, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि और इनके साथ जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं और अन्य समाज के लोगों ने भी आवेदन दिया है कि उनके छवि धूमिल करने के लिए इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो चूँकि मामले में दोनों ही पक्षों द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो हमारे द्वारा इसमें जो है मैंने थाना प्रभारी भांडेर को जाँच के लिए आदेशित किया है। उक्त मामला SDM साहब के संज्ञान में भी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।